लुडनडॉर्फ 2004 GTA 5 की स्टोरी से 9 साल पहले तीन आर्म्ड लुटेरे माइकल टाउनली, ट्रेवर फिलिप्स और ब्रैड स्नाइडर नॉर्थ यंगटन आते हैं। इनका प्लान बॉबकैट कैश डिपो को रोब करना और एक गेटअवे हेलीकॉप्टर के थ्रू यहां से निकलना। इनके पास एक चौथा आदमी भी होता है जो कि इनका गेटअवे ड्राइवर होता है। उसे पुलिस चेस के दौरान एक गोली लग जाती है और वो मर जाता है, जिसके बाद माइकल टाउनली कार का कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है। अब ये लोग अपनी रोबरी के लास्ट स्टेप यानी कि भागने वाले स्टेप पर आ चुके होते हैं। अब इनकी कार और इनके गोल के बीच में सिर्फ एक रेलवे क्रॉसिंग थी, लेकिन जब वो क्रॉस कर ही रहे होते हैं तभी उनकी कार को एक ट्रेन हिट कर देती है, जिससे कि उनकी कार एक पेड़ पर जाकर लगती है। ये तीनों लोग इस क्रैश में बच जाते हैं, लेकिन अब इनकी कार ड्राइव करने की हालत में नहीं होती है। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि बचा हुआ रास्ता पैदल कवर किया जाए, लेकिन पास ही में एक स्नाइपर छुपा हुआ होता है जिसका नाम डेव नॉर्टन होता है। डेव नॉर्टन एक्चुअली ट्रेवर को शूट करना चाहता था, लेकिन वो अपना शॉट मिस कर देता है और गोली माइकल और ब्रैड को लगती है। ब्रैड उस शॉट से मर जाता है, लेकिन माइकल इंजर हो जाता है। माइकल ट्रेवर को वहां से भागने को कहता है, बट ट्रेवर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बट माइकल के इंसिस्ट करने पर ट्रेवर को वहां से भागना पड़ता है। गेम में बाद में एक कटसीन में माइकल के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जिसे माइकल खुद थोड़ी ही दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। माइकल अपने सिगरेट को बुझाता है और सीन वहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन वेट अ मिनट, माइकल को तो गोली लगी थी ना, और अगर माइकल का फ्यूनरल हो ही रहा है तो माइकल उसे साइड में खड़ा होकर कैसे देख रहा है। माइकल इस क्राइम लाइफ को छोड़ना चाहता था, बट दूसरे टीम मेंबर्स उसे ऐसा करने नहीं देते। सो वो प्लान करता है कि अथॉरिटीज से मिला जाए और अपने ग्रुप को बिट्रे किया जाए, जिससे कि वो इस क्राइम लाइफ को छोड़ पाएगा और एक नई लाइफ स्टार्ट कर पाएगा। सो ओवरऑल माइकल विटनेस प्रोटेक्शन प्लान को चूज करता है। 2004 और 2013 के बीच में किसी पॉइंट पर वो लॉस सैंटोस में अपनी फैमिली के साथ मूव कर जाता है और अपना नाम माइकल टाउनली से बदलकर माइकल डे सेंटा कर लेता है। लेकिन कोइंसिडेंस से ट्रेवर फिलिप्स भी लॉस सैंटोस में मूव इन कर जाता है, और ट्रेवर को यहाँ पर ये नहीं पता होता है कि माइकल जिंदा है। लेकिन अगर माइकल जिंदा है तो उसकी ग्रेव में कौन है? गेम के आगे बढ़ने के बाद जब ट्रेवर और माइकल मिलते हैं, Somebody say yoga. Trevor? उसके बाद जब ट्रेवर को ये एहसास होता है कि माइकल तो जिंदा है, उसकी ग्रेव में कौन है, सो ट्रेवर एक बार फिर से नॉर्थ यंगटन जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि माइकल की ग्रेव में ब्रैड है। ट्रेवर यहां पर सारी कहानी समझ जाता है कि कैसे माइकल ने उनके ग्रुप को बिट्रे किया। बट एक्चुअली क्या माइकल विटनेस प्रोटेक्शन प्लान में था? देखो, अगर GTA 5 की स्टोरी को इन डेप्थ स्टडी किया जाए तो हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं। GTA 5 के एक मिशन केसिंग द जूल स्टोर में लेस्टर माइकल से पूछता है कि क्या माइकल के FIB वाले दोस्त जानते हैं कि वो क्या कर रहा है। FIB GTA यूनिवर्स का FBI है। माइकल लेस्टर को आंसर करते हुए कहता है कि सबसे पहले तो विटनेस प्रोटेक्शन के विटनेसेस को रॉकफोर्ड हिल्स के मल्टी मिलियन डॉलर मेंशंस में नहीं रखा जाता। उसके बाद वो कहता है कि ज्यादातर विटनेसेस किसी FBI एजेंट को हर महीने 5-figure sums of money नहीं भेजते। इसके बाद माइकल लेस्टर को कहता है कि वो इम्प्रेस्ड है कैसे लेस्टर उसके लाइज को पकड़ पाता है, और बहुत कम लोग ही माइकल के झूठ के आर पार देख पाते हैं। इसका एक और प्रूफ ये भी है कि अगर माइकल ने एक्चुअली विटनेस प्रोटेक्शन प्लान को ज्वाइन किया होता और FBI के साथ कुछ डील की होती, तो वो लुडनडॉर्फ हाइस्ट के पहले होती, यानी कि उस हीस्ट के एंड में पुलिस ऑफिसर्स वहां पर नहीं होते और सिर्फ FBI एजेंट्स होते। और कौन सी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम अलाउ करती है इसके यूजर्स को कि वो लोकल लॉ एनफोर्समेंट को मारे? और माइकल ने गेम की स्टोरी के दौरान ये भी मेंशन किया है कि डेव नॉर्टन के साथ माइकल की जो डील हुई उसमें माइकल तो एक नई लाइफ स्टार्ट कर लेता और डेव को एक टैग मिल जाता कि उसने दो फेमस बैंक रोबर्स को मारा है। माइकल ने गेम में काफी बार ये भी कहा है कि गलत बंदे को गोली लगी थी, यानी कि ब्रैड मरने नहीं वाला था, एक्चुअली ट्रेवर मरने वाला था और ब्रैड या तो जेल में जाता या फिर वहां से भाग जाता। सो कौन सा विटनेस प्रोटेक्शन प्लान अलाउ करता है एक बंदे को मारने का और दूसरे को छोड़ने का? सो ओवरऑल माइकल विटनेस प्रोटेक्शन प्लान में नहीं था, ये उसका बस एक झूठ था जो कि वो अपनी फैमिली को बोल सके, और अगर उसके क्रू में से कोई बंदा जिंदा बचता है तो उसको भी बोल सके। सो माइकल ने करप्ट FBI एजेंट डेव नॉर्टन के साथ एक अनडॉक्यूमेंटेड डील की, और माइकल ने बस अपनी डेथ को फेक किया ताकि वो अपनी फैमिली और अपने क्रू को एक झूठ बोलकर इस क्राइम लाइफ को छोड़ सके। सो फाइनली माइकल एक इनफॉर्मल विटनेस प्रोटेक्शन प्लान में था।